प्रिय छात्रों, स्पेशल क्लासेज मुसेपुर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए पुनः फिर हम लेके आए हैं पर असमय पद व्याकरण के अनुकूल पठ यानी पढ़ना। इस धातु को आप प्रयोग करके कैसे लिख पाएंगे उसके अनुकूल हम पुनः दूसरा स्टेप अपनाए हैं और इस वीडियो में इसके माध्यम से आपको हम बताने जा रहे हैं जो आप भली भांति इसमें समझ पाएंगे। आखिर लट लकार वर्तमान काल में पठ धातु यानी पढ़ना का प्रयोग हम कैसे करेंगे। एक वचन ती तह अंति सी थह थ आमी आव आम, उसका हम प्रयोग पठ यानी पढ़ना पर कैसे करेंगे। तो अभी आप यहाँ देखते हैं पठ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आप देखते हैं एक वचन में हू बहु सब कुछ, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखा हुआ है, लेकिन एक वचन में पठ, द्वि वचन में पठ, बहुवचन में पठ, यानी इसी अनुकूल मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में पठ पठ लिखा हुआ। आखिर आप इस वीडियो में इसके माध्यम से किस तरह समझ पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। ती एक वचन में आपका ती है, तो हमको पठ धातु पे यानी पर असमय पद पढ़ना पठ धातु पे हम क्या करना है, बनाना है यानी प्रयोग करना है। तो आखिर प्रयोग आप कैसे कीजिएगा। पठ लिखा हुआ है एक वचन, देख लेना है प्रथम पुरुष एक वचन में ती है, अंत में आप ती लगा दीजिए, ये आपका बन गया एक वचन। प्रथम पुरुष के एक वचन आपका पठती बन गया। अब आप देखते हैं द्वि वचन में तह, वो भी प्रथम पुरुष के द्वि वचन, तो द्वि वचन में आपका त है, तो इसके अंत में द्वि वचन देख के अंत में आपका त लगा देना, ये आपका पठत हो गया। उसी प्रकार हम देखेंगे बहुवचन, प्रथम पुरुष के बहुवचन अंति है, यहाँ अ जो है आपका साइलेंट, कहने का मतलब अ उच्चारित आता है, पठ ठ अ का उच्चारण आ गया, पठ अंति अंति यहाँ क्या करते हैं लगा देते हैं, तो आपका बहुवचन क्या बन गया पठ अंति। अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष पे, जो आप भली भांति यहाँ समझते होंगे सी थ थ पठ लिखा हुआ है। जिस प्रकार हम प्रथम पुरुष एक वचन द्वि वचन बहुवचन बनाए हैं उसी प्रकार सी थ थ लगा दीजिएगा, इसमें आपका हो जाएगा सी, ये हो गया पठ सी, इसमें आप लगाइएगा थ, ये हो गया आपका पठ थ, उसके बाद थ सिर्फ लगाइएगा यहाँ आप थ लिख दीजिएगा, ये आपका बहुवचन के मध्यम पुरुष बन गया, प्रयोग हो गया पठक। अब हम चलेंगे उत्तम पुरुष पे, जिसमें आमी आव और आम है, तो आप अ जो लिखा हुआ है उच्चरित स्थान है, यानी यहाँ पठ ठ का उच्चारण जब आप परिपूर्ण व्याकरण में समझ पाएंगे तो ठ में आपका अ का उच्चारण आता है, जिसमें अ नहीं डाल सकते हैं, पठामी ठामी आपका हो गया पठामी, उत्तम पुरुष एक वचन का। अब हम चलेंगे आवह, तो आवह में जब चलेंगे तो पहले देख लेंगे द्वि वचन आव उत्तम पुरुष, द्वि वचन आवह या ये वाला देना है आव, ये वाला यहां देना है उत्तम पुरुष, यहां आप आव लगा दीजिएगा, ये आपका बनके तैयार हो गया द्वि वचन का। प्रयोग हम किए पठ धातु यानी पढ़ना पर, तो आपका हो गया पठाव, अंतिम में आपका आम है, उत्तम पुरुष के बहुवचन आम है, यहां पठ लिखा हुआ है आम, ये आपका क्या हो गया बन गया। जब ये ऐसे प्रयोग हो जाएगा तो आप किसी धातु यानी पर असमय पद लेके इसके अनुकूल लट लकार वर्तमान काल में बना सकते हैं। इसको आप कैसे पढ़िएगा उसमें आप समझ लीजिए, पठती पठतः पठ अंति, उसके बाद पठसी पठतः पठक, उसके बाद आ जाता है पठामी पठाव पठाम, इसके अनुकूल आपका पठ धातु का प्रयोग समाप्त होता है। अगर इसमें भी अगर किसी भी प्रकार के
दिक्कतें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका हम सुझाव आपको दे सकेंगे। थैंक यू।